हेलो दोस्तों, ये आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक केटल जो कि फ्लिपकार्ट का खुद का बना हुआ जो आता है ना फ्लिपकार्ट ब्रांड का, ये देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के ही बने हुए फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ब्रांड है। 1500 वाट का इनका इलेक्ट्रिक केटल है, 1.8 लीटर का कैपेसिटी है ये, ठीक है। कलर प्रीमियम सिल्वर है, प्राइम सिल्वर ब्लैक, एक्चुअली हैंडल तो ब्लैक होता है, ठीक है। कुछ कुछ इस तरह से इन्होंने अपना प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ये इनकी बॉक्सिंग थी। ओके, सो फाइनली मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा पहला आइटम बेस। बड़ी गंदी पन्नी है यार, ये पॉलीथिन बड़ी गंदी है इतना आवाज कर रहा है। ओहो, तो इन्होंने ऐसा वाला प्लग दिया है। इसका ना एक ड्रॉबैक क्या होता है ना, इसमें ना एक्चुअली जब अर्थिंग नहीं होता, ये थ्री पिन नहीं होने की वजह से क्या होता है ना, इसमें करंट उतरता है, ऐसा मेरा लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है। और ये रहा कुछ कुछ इस तरह से दिख रहा है प्रोडक्ट इनका। एक्चुअली इसके पहले हमने यूज़ किया था इनका, तो बहुत ही अच्छा था, बट अभी कैसा है पता नहीं। ओके, क्या लगा है पता नहीं यार, इसकी ना क्वालिटी अभी ना इतना डाउन कर दिया इन लोगों ने। पहले बहुत अच्छा मेटल का आता, मटेरियल बहुत अच्छा रहता था, अभी ना इतना अच्छा खास मटेरियल नहीं है। हाँ, फिर भी हमें अल्टीमेटली तो पानी गर्म होना चाहिए, यही चाहिए। ये कुछ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन और क्या क्या दिया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ये जो पिन है ना, एक्चुअली थ्री पिन होने से क्या होता है कि इसमें ना आप अगर जो इसको लाइप लगाएंगे, पानी गर्म करने के लिए लगाएंगे, तो टच करेंगे तो करंट नहीं उतरेगा, क्योंकि थ्री पिन होता है, तो क्योंकि अर्थिंग प्रॉपर हो जाती है। अभी क्या है ना, दो ही पिन लगने से क्या है, वो न्यूट्रल और मेंस रहेगा, बट अर्थिंग ना होने की वजह से जब भी आप इसको टच करेंगे ऑन मोड में, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा शॉक लगेगा। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ किया इन लोगों ने, एक पिन डालने से क्या ही चला जाता था इनका। ओके, बेस कुछ कुछ इस तरह है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ इस तरह का है पिन। ये इनर बॉडी ऐसा है, बहुत ही पतला है एक्चुअली यार। पतला रहने का एक फायदा ये है कि जल्दी गर्म हो जाता है, बट मुझे लगता है थोड़ा हैवी होता है ना। इसके पहले एक्चुअली मेरे पास था इसका हैवी बॉडी का था, बट इस बार बहुत ही पतला है। ये भी कुछ कुछ इस तरह का आया है, यानी कैसा है। ठीक है, तो हम पानी डाल के गर्म करके देखते हैं जरा इसमें। यहाँ पे इनका लोगो है, देख सकते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, सो ये देखिए हमने इसमें पानी भर दिया है। इसको ना मैंने, ये देख सकते हैं जो इसमें ये डॉट्स बने हैं ना, ये सारे पॉइंट्स, इसके थोड़ा सा नीचे तक रखा है ताकि ये ओवरफ्लो ना किया करे बॉयल के बाद। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे ऑफ है, यहाँ सब नॉर्मल है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे भी अभी कोई करंट नहीं, अभी ये ऑफ है, देख सकते हैं इंडिकेटर यहाँ है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, इंडिकेटर इसका जल गया। अभी इसको देखते हैं, अच्छा है फिलहाल, तो कोई शॉक तो नहीं कर रहा है ये, नहीं नहीं है, हल्का हल्का है। ये देखिए दिख रहा है ना, यही इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूट्रल नहीं होने से ना तो प्रॉब्लम तो करेगा ना। अभी ये ऐसे टच करने पे ना ये हल्का सा शॉक कर रहा है ये, और अगर जो मान लीजिए मैं नंगे पैर रहूँ और बॉडी भीगा रहेगा या फ्लोर भीगा रहेगा, तो करंट तो पक्का लगेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है एक्चुअली। इसके पहले भी था मेरे पास जिसका कुछ कुछ इस तरह का था, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा लाइट जल रहा है ये इंडिकेटर। एनीवे, तो हमने लगा दिया है, अभी देखते हैं कितनी देर में पानी गर्म हो रहा है। बबल्स देखिए स्टार्ट हो गए, ग्राउंड बेस में बबली होना। ओके, थोड़ा थोड़ा आवाज करना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब बबलिंग के बाद में। अब देखिए ठीक है, गर्म तो लग रहा करेगा प्रॉपर, बट ना प्रॉब्लम ये कि यही है शॉक का, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मैं इसके लिए कंप्लेंट करूंगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
एक पिन देने में क्या ही चला जाता है आपका यार, मतलब टॉप 3 पिन टॉप देने में। अच्छा जब भी आप लोग ऐसा केटल मंगाया करिए ना, तो एक बार कम से कम पानी गर्म करके ना उसको फेंक दिया करिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में पता नहीं कैसे कैसे कंडीशन से गुजरता है, तो बेटर होगा एक बार जब बॉयल कर देंगे तो कम्प्लीटली जो भी इसके जम्स रहेंगे सब हट जाएंगे, और फिर आप उसको फेंक के यूज़ करिए। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप पहले उसको एक बार इस तरह से गिरा के ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आवाज़ देख सकते हैं इस तरह से कुछ कुछ आ रहा है। ना ज़्यादा ये ब्राइट एक रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, देख सकते हैं। आज वो ठंडा है तो मैंने सॉक्स लगा रखा है थोड़ा। ठीक है, तो कुछ कुछ इस तरह से आवाज़ करेगा, थोड़ा सा शोर तो मचाएगा, बट लग रहा है जल्दी पानी गर्म कर देगा, क्योंकि ये बॉडी ना बहुत ही पतला है और पता नहीं क्वालिटी कैसा है, मुझे भी आइडिया नहीं है इनका तो ऐसा वाला। ओके, तो आवाज़ तो बंद हो गया। अरे डिस्कनेक्ट भी हो गया, क्यों? ये तो गया भाई साहब, बड़ी गंदी है यार इनका। लाइट तो है, यहाँ पे भी चेक करिए तो इसमें तो करंट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ ये प्रॉब्लम है। तो देख सकते हैं इस तरह से इनका ना, मत ही लीजिए, बहुत ही घटिया क्वालिटी का है यार। मैं तो इसको रिटर्न करने वाला हूँ। देखिए चला गया, यहाँ से ऑन है, यहाँ चला गया ये। बोलना स्टार्ट ही किया था कि ये गया। ओके, सो इसका रिव्यू बड़ी गंदा रहा, इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। भाई दोस्तों ये रिटर्न में जाने वाला है अभी।